कुछ दिन में महक की शादी हो जाएगी। सब लोग कितना खुश थे ना, तू खुश नहीं है क्या? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। महक ने जो सारे सपने सोचे थे क्लास सब सच हो रहे। I'm really happy for। कुत्ते के तुम, मिडिल क्लास का ताना मार ही गया ना। मैं अत्याचार सहूं या कुछ भी सहूं, मेरी मर्जी। वो कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला? मैं ज्ञान नहीं दे रहा माँ। इनफैक्ट मुझे क्या पड़ी है, जिसको जो करना है करे। हर किसी को होके अपनी जिंदगी बर्बाद करे या बात करे, हाउ डज इट मैटर टू मी? माँ यू नो अरेंज मैरिजेस का क्या फंडा होता है? दो लोग एक दूसरे के साथ बिना कंपैटिबिलिटी के अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं और उसके बाद एक दूसरे की पूरी जिंदगी नरक बनाते हैं। अरेंज मैरिज दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। ना कुछ करना पड़ता है एक शादी चलाने के लिए, लेकिन वो कहाँ समझेगा, सड़ू है ना, लाइफ में कभी एडजस्ट तो किया नहीं होगा। शार्या, हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसको अपनी मर्जी से शादी करने का मौका मिले। कई बार समय चलाता है और इंसान निभाता है। तो मत करो ना शादी। दुनिया में ऐसी कौन सी किताब में लिखा कि शादी करना बहुत जरूरी है, और किसी के साथ जो जिंदगी जहर कर दे उसे तो अच्छा पूरी उम्र अकेले रहो। दिस इज व्हाट आई थिंक। बात बता बेटा, महक जो कुछ भी कर रही है उसे तुझे क्यों परेशानी हो रही है? मुझे? Come on, ma, please. मुझे क्यों परेशानी होगी? I mean, मैं तो बस अपना एक ओपिनियन दे रहा था, that's it. पहले बोलती हो पेट्रोल जैसी हो रही हूँ, फिर अब जब पराठे की तरह पतले होने की कोशिश कर रही हो तो हंस रही हो। जाओ, नहीं करना वजन कम। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी बेटा। देख तू, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। अच्छा कर रही है तू। मुझे आज कपड़े सुखाने, वरना मैं भी कल तेरे साथ ये खड़े खड़े वाली जॉगिंग करूंगी। नहीं हाँ सच्ची, बहुत गैस हो रही है मुझे आजकल। नहीं आप जाओ, मैं अकेले में करूंगी। चल करना। नहीं मैं अकेले में करूंगी, आप जाओ। अच्छा ठीक, शादी के लिए पतला होना। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ ऐसे काहे बोल रहे हैं, हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाउ कुड यू? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू? हाउ डेयर यू? अब और नहीं। माई माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो।
यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती है। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी माई इच्छा से